हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हमारे टास्क का 11th डे है, यानी कि 90 दिन की चैलेंज का आज 11वां दिन है। मस्त वर्कआउट हुआ है, मस्त मेडिटेशन हुआ है। जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि जो मधुमेह के पेशेंट है, यानी कि शुगर के पेशेंट हैं और जिनके घुटनों में गैप है, वह मोटापा कैसे कम करेंगे, तो उनके लिए आज मस्त डाइट प्लान लेकर के आया हूं। और कल की वीडियो में हम वर्कआउट की बात करेंगे। तो डाइट प्लान क्या है, सबसे पहले उनको चीनी छोड़नी है। अब आप कहोगे चीनी क्यों, क्योंकि आप तो चीट डाइट कर रहे थे। तो भाई चीट डाइट में कर रहा था, लेकिन आपको तो घर में रहना है, एक्टिविटी आप बिल्कुल कर नहीं सकते हो, क्योंकि घुटना, जितना भी आपका पेट कम होता है ना, वो होता है पैर के जरिए, और जितना भी एब्डोमिनल एरिया कम होता है, वह कैसे होता है, वह चेस्ट के जरिए होता है, नहीं हाथ के जरिए होता है। अब आप घूमने जाओगे नहीं, रनिंग आप करोगे नहीं, तो आपको चीनी ही छोड़नी पड़ेगी। साथ में क्या छोड़ना है, साथ में आपको तला हुआ छोड़ना है। अब लेना क्या है, तो जैसी सुबह होगी, यानी सुबह उठते ही आपको जो एलोवेरा होता है, यानी कि ग्वार पाठा होता है, उसके अंदर की जो जेली होती है, वह लेनी है खाली पेट, और रात को सोने से पहले लेनी है। अब कैसे लेनी है, जो छोटी कटोरी होती है ना, जो सबसे छोटी आपके घर में, यानी कि ये समझ लो चार चम्मच आपको सुबह लेना है खाली पेट, और 4 चम्मच रात को सोती समय लेना है। खाना पीना कैसे रहेगा, खाना पीना सुबह आपको दब के खाना खाना है, यानी रल मल के खाना खाना है, दोपहर को कम खाना है, और रात को बिल्कुल कम खाना खाना है। अब करते हैं डाइट प्लान की बात। तो सुबह आपको क्या लेना है, सुबह आपको जैसे एलोवेरा ले लिया, फिर उसके आधे घंटे बाद में ये देखिए, ये आंवला है, ये कद्दूकस किया गया है। आप किसी भी तरीके से, ये 3 आंवले हैं, ये 3 आंवलों का कद्दूकस है, तो 3 आंवलों का कद्दूकस करके इसका जूस निकालना है। देखो ओमबत्ती निकाल के दिखाएगी किस प्रकार से निकालना है। ये आंवले आपने कद्दूकस किए, और ये देखिए जूस निकाल लिया, मिक्सर में निकालो, कैसे भी निकालो, ये आंवले का जूस आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। यानी कि पहले तो आपने एलोवेरा ले लिया, और उसके आधे घंटे बाद ये ले लिया, और उसके आधे घंटे बाद क्या करना है, जो ये है ना गोली, यानी कि ये मेदोहर वटी और ये वृक्ष आंवला, फिर ये एक एक टैबलेट लेनी है, और किसके साथ में लेनी है, चूर्ण के साथ में। ये चूर्ण क्या है, अब आप सोच रहे होंगे चूर्ण किस चीज का बनाया है, इसमें मेथी दाना है, इसमें अजवाइन है और जीरा है। इनको हल्का हल्का हमने भूज लिया है लोहे की कढ़ाई में, और फिर इसको पीस करके चूर्ण बना करके इसमें स्टोर कर लिया है। आधी चम्मच ये रहेगा, और आधी चम्मच रहेगा ये त्रिफला चूर्ण, ये डाबर का लियाना, आप त्रिफला चूर्ण लियाना, यानी कि आधी चम्मच त्रिफला चूर्ण और आधी चम्मच ये चूर्ण रहेगा। अब क्या करना है, जो भी आप खाना खाओगे उसमें आपको अदरक ऐड करनी है, गुड़ ऐड नहीं करना है, क्योंकि पहले की डाइट में मैंने गुड़ बताया था, जो शुगर के पेशेंट हैं और जो जिनके घुटनों में गैप है, उनको क्या ऐड करना है, अदरक ऐड करनी है, और उसके साथ में क्या ऐड करना है, धनिया ऐड करना है, साबुत रहना चाहिए कहीं आप तड़के वगैरह में। और एक आता है काले रंग का, आता है थोड़ा जीरे टाइप में होता है, उसे क्या कहते हैं, कलौंजी, जीरे का बहुत छोटा भाई रहता है, प्याज के दाने भी कई लोग उसे कह देते हैं, लेकिन वो कलौंजी रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी रहती है, उसे भी आपको क्या करना है, चुटकी लेनी है, एक चुटकी बस इतनी सी, सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ, मैंने 1 गिलास पानी सुबह गर्म, 1 दोपहर को गर्म और 1 रात को गर्म, बिल्कुल चुटकी में लेनी है। इस तरीके से डाइट प्लान रहेगा, और डाइट प्लान मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, उसको भी आप फॉलो करिए, यानी कि जो ये है ये कैसे बनाया जाएगा, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये कैसे बनेगा और साथ में आपको क्या क्या खाना है। अब आप कह रहे हो तला हुआ नहीं खाएंगे, तो फिर क्या क्या लें, तो मैंने बताया है उसमें मूंगफली बताई है, चने बताए हैं, दाल बताई है, किस किस प्रकार से लेनी है, किस किस टाइप लेनी है, वह सब मैंने उसमें मेंशन किया है। बस आपका छूटेगा क्या, आपका गुड़ छूटेगा, मीठा छूटेगा, तला हुआ छूटेगा, चीट डाइट छूटेगी, बस आपको ये फॉलो करना है। और चिंता मत करो, आपका राधे भाई आपके साथ में है, आपका मोटापा बिल्कुल जड़ से खत्म करके छोड़ेगा, आपको कोई भी शक्ति दुनिया की पतला होने से नहीं रोक सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने माता बहन भाइयों के साथ में जो भी मोटापे से परेशान है उनके साथ में ये शेयर करिए, और सब्सक्राइब के बटन में तो आग लगा दीजिए, हवन सा हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।